भाग कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल मैंने एक खबर आपके सामने रखी थी कि महागठबंधन के गठन की जब भी बात होती है तभी मोदी जी की सीबीआई इतनी एक्टिव हो जाती है, कभी लालू प्रसाद यादव के पीछे लग जाती है, कभी मायावती के पीछे लग जाती है और अब अखिलेश यादव के पीछे लग गई है। मैं आज इस खबर में आपको बताऊंगा कि महागठबंधन से भाजपा को या मोदी सरकार को इतना डर क्यों लगता है, और वो खुलासा आपके सामने रखूंगा कि आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे उस हालात को और वो कहेंगे कि हाँ महागठबंधन से इनको इसलिए डर लगता है। मैं आपको लेके चलता हूं आपसे 26 साल पहले, जब 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब दिन के उजाले में बम लगा लगाकर बाबरी मस्जिद को ढाया गया। उस वक्त जो धार्मिक उन्माद था, जो हिंदुत्व का एजेंडा था, जो हिंदुत्व का पूरा उन्माद था, वो उरूज पे था। उरूज मतलब पूरी ऊंचाई पे था, वो शबाब पे पहुंचा हुआ था। लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढाने के बाद बाबरी मस्जिद की ईंटें अपने घर के टॉयलेट में लाके लगाई थी। कुछ लोगों ने तो सार्वजनिक स्थल पर, यानी कि जहां चौपाल है, चौराहा है, वहां पे टॉयलेट बना दिया था और कहा था कि बाबरी मस्जिद की ईंटें वहां से निकाल के लाएं, आओ इन पे पेशाब करो, ये पेशाब घर बना दिया गया। ये स्थिति थी, नफरत का चारों ओर बाजार गर्म था। आप कल्पना कर सकते हैं, लोग घरों से निकलते हुए डर रहे थे। मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, उस वक्त पोस्टर बैनर तो इतना चलता नहीं था, पर मुझे अपना बचपना याद है कि मैं जाते हुए जो सरकारी हॉस्पिटल के हमारे यहाँ दीवार हुआ करती थी या सरकारी स्कूल की जो दीवार हुआ करती थी, उस दीवार पर तरह तरह की बातें लिखी होती थी, पेंट से लिखे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ, सनातन, फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ें लिखी होती थी। हम बच्चे लोग थे, हमें पता ही नहीं था, जाते हुए पढ़ते हुए चले जाते थे, आते हुए पढ़ते हुए आ जाते थे, उन चीज़ों का हमें पता नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर बात कहने का मतलब यह है कि अपने बुजुर्गों से पूछिएगा कि धार्मिक उन्माद जो पूरे उफान पे था, पूरे उफान पे धार्मिक उन्माद था। 5 घंटे लगे थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने में, लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे थे, लाखों की तादाद में वहां पहुंचे थे, और दिन के 10-11 बजे बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू किया गया था, शाम के 5 बजे तक तोड़ा गया था। और उसके बाद भाजपा को लगा था कि हमने बहुत क्रांतिकारी काम कर दिया है, इस देश के अंदर हमने वो काम कर दिया है जो काम शायद कभी हो नहीं सकता, और आज जो बुनियाद हमने डाल दी है हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की, वो बुनियाद, वो खाई जो हमने डाल दी है, वो खाई कभी पट नहीं पाएगी। लेकिन 6 महीने बाद ही ऐसा हुआ कि उस भाजपा को उसकी औकात का एहसास हो गया, इसीलिए वो डरते हैं महागठबंधन से। मैं जो लाइन आपको बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, तो उस वक्त सीएम थे उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, ओबीसी नेता आते हैं, ओबीसी नेताओं और एससी नेताओं से तो सब कुछ किया है बीजेपी ने, इनको आगे कर देते हैं, इनसे इनको दंगाई बना देते हैं, इनके बच्चों को दंगाई बना देते हैं। आप गुजरात दंगा देख लीजिए, एससी समाज के लोगों ने मुसलमानों का कत्ल किया, और लोग कौन थे, इनको आगे किया और इनका उल्लू बनाया और इनसे अपनी राजनीतिक हिस्सा लिए, और उसके बाद से सत्ता में वहां पे वो गुजरात की चल रहे हैं, वो बन गई वहां की आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। तो हुआ क्या था उस वक्त के सीएम थे कल्याण सिंह यादव। कल्याण सिंह महोदय ने देखा, अरे वाह, मैं तो 221 विधायकों की सरकार चला रहा हूं। उस वक्त यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, बाद में जाके जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तब ये अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो 221 विधायकों की सरकार चलाते थे, उसके मुखिया थे कल्याण सिंह, और अपने आप को उन्होंने बड़ा सोचा कि मैंने मस्जिद को ढा दिया है, अब हिंदुओं के अंदर मेरी बहुत बड़ी इमेज बन गई है, इस वक्त अगर मैं सरकार को भंग कर दूं और 6 महीने के अंदर अंदर अगर चुनाव हो तो हम 350 से ज्यादा सीटें जीत के आएंगे। लेकिन क्या हुआ वो ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इन्होंने जिम्मेदारी ली और कहा, एक दिन की जेल काटी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था और मेरे दौर में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। गए, एक दिन की जेल काट के आए, महान लोग आज जो बैठे हैं 56 इंच का सीना लेके, 56वें महीने में उनकी सरकार दाखिल हो चुकी है, आज उन्हें राज्यपाल बना रखा है राजस्थान का, शर्म नहीं आती है, जो लोग सजा काट चुके हैं उनको इन्होंने संवैधानिक सीटों पर बैठा रखा है। तो हुआ क्या, जिम्मेदारी ली और कहा कि मेरे दौर में मस्जिद को तोड़ा गया, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि हलफनामा दे रखा था बाकायदा। सरकार भंग हो गई 6 महीने बाद 1993 में चुनाव हुआ और मायावती और मुलायम सिंह यादव ने पहली बार साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और पता क्या हश्र हुआ, अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है, धूल चाट गई भारतीय जनता पार्टी, जमीन पर गिर गई ओंधे मुंह, हवा में चले गए कल्याण सिंह यादव, सरकार नहीं बन पाई, सरकार नहीं महागठबंधन की, जिसे आज महागठबंधन का नाम दिया जा रहा है, उस वक्त अगर हम इसको कहें तो ये भी महागठबंधन था। मायावती और मुलायम ने मिलकर चुनाव लड़ा, तमाम नफरतें धराशायी होगी जो उन्होंने कोशिश की थी हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की, 6 महीने के अंदर चुनाव होता है, खत्म हो जाता है।
तो यही मेरा कहना है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी सरकार हो, जितने तमाम लोग हैं वो महागठबंधन से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महागठबंधन अगर साथ आए ना तो जो 1992 में बाबरी मस्जिद ढाने के बाद उनका हाल हुआ था, 6 महीने बाद हुए चुनाव में 1993 के अंदर, उससे भी बुरा हाल उनका होने वाला है, क्योंकि 5 साल में वो तो पहले ही देश को बहुत बर्बाद कर चुके हैं। 5 साल का लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। अब कह रहे हैं कि नोटबंदी मैंने 1 साल पहले से लागू करना शुरू कर दिया था। अब उस दिन कह रहे थे कि हमने नोटबंदी एट ए टाइम लागू कर दिया। अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है वो कह रहे हैं हमें नहीं पता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले कह रहे थे कि हमें नहीं पता था, इन्होंने लागू कर दिया। लेकिन अब कह रहे हैं कि हम तो 1 साल से पहले तैयारी कर रहे थे, हमने लोगों को पहले बोला था कि अपना पैसा घोषित कर दो, लोग अपना पैसा घोषित नहीं कर रहे थे, फिर हमने उस सारे पैसे को कह दिया कि इसको नोटबंदी कर दो। अब वो सारा पैसा जो लोगों के घरों में बोरियों में पड़ा था, बिस्तरों में दबा हुआ था, वो बैंकिंग सेक्टर में आ गया। ये कह रहे हैं नई नई जुमलेबाजी, नई नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन महागठबंधन से वो इसलिए डर रहे हैं, इसलिए वो अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव को फंसाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मायावती को फंसाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये महागठबंधन बन गया तो 1992 की तरह, उस वक्त तो आप सोचिए ना, कल्पना करिए ना, धार्मिक उन्माद कितने उरूज पे होगा, कितने शीर्ष पे पहुंचा हुआ था, तब भाजपा धराशायी हो गई। आज का नौजवान तो समझ चुका है कि पिछले 26 साल में इन्होंने धार्मिक उन्माद के सहारे सिर्फ उनको बरगलाया है, उनको दंगाई बनाया। आप देखिए 25 नवंबर को हुंकार रैली करते हैं अयोध्या में, 35,000 लोग भी नहीं जुड़ पाए। भोंपू मीडिया जरूर दिखा रहा है कि 5 लाख है। जब यहाँ उद्धव ठाकरे आए महाराष्ट्र से तो उनकी पार्टी के अपने लोग वहाँ से आए, 200, 400, 500, किसी ने उनका कोई आदर सत्कार तक नहीं किया अयोध्या में, क्योंकि अब लोग जुड़ते नहीं हैं। दिल्ली के अंदर इन्होंने संकल्प यात्रा निकाली 1 दिसंबर 2018 से लेकर 9 दिसंबर 2018 तक, जो रामलीला मैदान पर खत्म हुई। चंद मुट्ठी लोग नहीं थे, 150-150 लोग इनकी संकल्प यात्रा में नहीं थे, क्योंकि लोगों का मोह भंग हो चुका है। उस वक्त लोगों ने झेला है, उन पर मुकदमे लगे हैं, उनके परिवार के लोगों ने वो सब सामना किया। इसीलिए महागठबंधन से डर रहे हैं और इसीलिए महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन जब 2018 में एक हुआ तो फूलपुर में सीएम होते हुए आदित्यनाथ योगी जिस सीट पे पिछले 20 साल से विधायक थे, उससे पहले उनके बाबा विधायक हुआ करते थे वहां पे महाराज के, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली जाती है और बुरे तरीके से हारती है। फूलपुर सीट हारते हैं, कैराना सीट जहां जाके रोते हैं कि देखो हमने हिंदुओं के लिए ये किया, मुसलमानों के खिलाफ ये किया, ऐसी बातें करते हैं, वहां पर हारते हैं, नूरपुर में हारते हैं, तमाम जगह हारते हैं। तो इन्हें लगता है और इन्हें पता है कि महागठबंधन एक हुआ, जैसा आप देखिए तेलंगाना में महागठबंधन बना, जैसा केसीआर के बीच में और असदुद्दीन ओवैसी का, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 5 में से सिर्फ 1 सीट रह गई, करारी हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए और एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश की राजनीति चलती है। हमेशा आप आज़ादी के बाद देखिए जितने तमाम प्रधानमंत्री हुए हैं वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार इस देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और बिहार से 40 लोकसभा सीटें आती हैं, और दोनों जगह की मिला दें तो 120 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 93 सीटें मिली थी, 73 यूपी से और 22 वहां से 95 सीटें मिली थी, जिसमें से 2 अपना दल वालों की थी, 71 इनकी थी यूपी के अंदर। तो इन्हें लग रहा है कि यूपी में अगर अखिलेश और मायावती साथ आ गए, और इनके साथ जैसे ओम प्रकाश राजभर भी अपने तेवर दिखा रहे हैं वो भी इनके साथ आ गए, या और अजीत सिंह इनके साथ आ गए, कांग्रेस भी अप्रोक्स रूप से या अप्रोक्स रूप से इनके साथ रही, तो ये जो महागठबंधन है उसके सामने भाजपा नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जब 1992 में नहीं टिक पाई थी तो अब क्या हैसियत बची, अब क्या औकात बची है। इसलिए वो हरचंद कोशिश करेंगे कि इसको तोड़ा जाए। मुझे लगा 1993 का ये पहलू 26 बरस बाद एक बार फिर से आपके सामने आना चाहिए, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। हम लोग नज़र बनाए रखेंगे महागठबंधन को कैसे कैसे तोड़ने की कोशिश की जाती है और कैसे कैसे महागठबंधन मोदी जी को टक्कर देता है या उनको यूपी से उनका सफाया करता है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान तो अब तो साफ कह चुके हैं कि अब ये यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वापस गुजरात भाग जाएंगे। तो ये कोशिश थी आपके सामने रखने की कि महागठबंधन से क्यों लगता है इनको इतना डर। कैसी लगी आपको खबर, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे उसी वक्त आपको हमारी खबरें मिल जाया करेंगी। यूट्यूब पर आपको हमारी खबरें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँ हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।